2 दिन से मार्केट रोज़ गिर रहा है, और इतने टाइम से मार्केट रोज़ बढ़ रहा था, 25,080 का हाई मार के नीचे 24,700-600 के आसपास मार्केट घूम रहा है, गिफ्ट निफ्टी तो 600 के आसपास अभी दिखा रही है, तो क्या करें और ये हो क्यों रहा है? पहले देखो हुआ क्या है, ग्लोबल मार्केट्स जो होती है ना वो हमारी मार्केट को पूरा कंट्रोल करती हैं अच्छे तरीके से। तो एक कहावत है, हमेशा बोलता हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारी मार्केट जो है वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस रहती है, वो हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो अगर वो बढ़े हुए हैं हम बढ़ जाते हैं, वो गिरते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो उनमें ऐसा क्या हुआ, जब जापानीज मार्केट 11% गिर चुकी है एक महीने में, क्यों गिरी है, वहाँ इंटरेस्ट रेट जो थे ना वो होते ही नहीं थे, ब्याज दरें जिसको बोलते हैं वो होते ही नहीं था जैसे US और इंडिया में होता है, एकदम से वहाँ पे 0.25% जो सेंट्रल बैंक है जापान का उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और ऊपर से ये भी कहा कि और हम आगे बढ़ाएंगे ज़रूरत है, तो इसलिए मार्केट वहाँ पे गिरना शुरू हुआ, और वहाँ के जो रिटेलर्स हैं उन्होंने अपना माल पूरा बेचना शुरू किया, और 11% जापान गिरा, वहाँ से US से गिरा, और वहाँ से अब इंडिया गिर रहा है। तो इसमें करे क्या भाई, अगर आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है जो आपने अभी पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रूरत है तो लगाए क्यों थे, ठीक है, तो पैसे वही लगाने हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, वैसे कितनी साइकिल आके चलेगी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, कोविड, GST, इतनी चीज़ें आगे निकल गई, आप ऐसे घबराओगे तो कोई काम नहीं चलने वाला। थैंक यू।